मोदी जी की जीत में बांटेंगे जलेबी। मोदी तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस सब मोदी जी के साथ ही है और सब इन्हीं को जिताएंगे। ब्रजवासी जलेबी भंडार पे हम लोग खड़े हैं, अंकल जी जलेबी बांट खिलाते हैं और अच्छे मौके पर बांटते भी हैं। 2024 चुनाव नजदीक है, किसकी जीत में बांटोगे? मोदी जी की जीत में बांटेंगे जलेबी। मोदी जी की जीत पे पक्की बात? पक्की बात। विपक्ष बड़े बड़े दावे करता है, बदलाव होगा अब की बारी 2024 में, जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। वो ऐसा है, बोलते रहते हैं विपक्ष वाले तो हमेशा बुराई करेंगे अपनी सरकार की। देखिए विपक्ष है, मुद्दा तो उठाएगा ना। हाँ तो मुद्दा उठाते रहो, उनके मुद्दे से क्या होता है? उनके मुद्दे कोई वो नहीं है, कामयाब नहीं है। कोई कामयाब नहीं है उनके मुद्दे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूँ लगता है कि कोई कामयाब होने लायक ही नहीं है लोग। ये कभी कुछ कभी कुछ, इनके मुद्दे क्या है, कभी कुछ बदलते कभी कुछ बदलते है, तो इसलिए इनके मुद्दे कहाँ है? मोदी जी ने काम नहीं किए, नाम किए, प्रचार करते हैं बस। मोदी ने काम इतने अच्छे अच्छे करके दिखाए हैं, उन लोगों को जवाब दे दो, काम बता दो। ये G20 कम करके दिखाया उन्होंने, इतना बढ़िया काम करके दिखाया, पूरे वर्ल्ड के इतना नाम कर दिया हमारे भारत को, और क्या लेंगे बाकी जो है का, ये कहते रहो, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। G20 से फायदा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं फायदा होगा? इतना फायदा होगा जो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला ये रेल का, ये कम मिलेगा इतना बड़ा? ये इन्होंने लिया किसी ने अभी तक कोई इतना बड़ा फैसला करा इन्होंने? ये इतनी सरकार है बैठी दिल्ली में, हो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है हाल फिलहाल में। अरविंद केजरीवाल तो सब, ये तो बस वो झूठा है एक नंबर का, वो कचरा कोई बदलता नहीं, बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं करता। मैं इतनी तो वो के लिए फ्री बस दे रहा, पहले फ्री फ्री बिजली दे रहा था, अब बिजली के चौगने मिला रहे हैं बन बन के, अब चौगने मिला रहे। हाँ जी, जितने उसने दिए उससे ज्यादा वसूल कर रहा है, जितने दिए उससे ज्यादा वसूल लिया, वसूल कर वसूल कर ही रहा इस साल तो खूब आ रहे हैं बिल बड़े बड़े। विपक्ष खत्म हो जाएगा? विपक्ष तो खत्म ही है एक तरह का, विपक्ष से क्या इनका कुछ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर आई थी, कांग्रेस मुक्त भारत बनता दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का तो अब खत्म हो चुका है, वो तो उन्होंने पहले ही महात्मा गांधी जी ने कह दिया था 50 साल बाद तो वैसे इसको खत्म कर दो, तो अब हो ही गई खत्म कांग्रेस तो खत्म है। अब तो यही चलेगी अपने हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार, यही तो इल्जाम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं मोदी। चलेगी सरकार और किसी की नहीं चलेगी, बस मोदी जी हिंदुओं के साथ है सिर्फ। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस और कुछ नहीं होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है जी। 2024 चुनाव नजदीक है, राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा आपने देखी, देश में अलग माहौल था, ये मुद्दा चुनाव में बरकरार रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, सब मोदी जी के साथ ही हैं और सब इन्हीं को जिताएंगे। अब की बार फिर से मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार, बिल्कुल बिल्कुल ही आएगी। ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल आएगी, विपक्ष के दावे खोखले रह जाएंगे। नहीं, विपक्ष में कोई है ही नहीं ना, आप देखिए ना, कोई आपके सामने ओपोजिशन पार्टी में ना कांग्रेस में कोई है, ना आम आदमी पार्टी में भी कोई इतना वो नहीं है। उसके भी आज की डेट में अगर आम आदमी पार्टी का देखोगे तो कितने फ्रॉड सामने आ रहे हैं, बट बीजेपी का कुछ देखिए आप, आपके वो यही तो कहते हैं बीजेपी में वॉशिंग मशीन है, वहाँ जाओगे साफ हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सामने दिखता है उनका भी, ऐसा बात नहीं है। जो भी अगर उनका भी होता है तो दे पनिश ऑल द विक्टिम्स, ठीक है जी। बाकी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं और हम भी उन्हीं के साथ ही हैं जी। आप उन्हीं के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं जी। अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हो, हाँ जी, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पे दिल्ली में, तो बिल्कुल देखते हैं फिर उनका क्या रिजल्ट रहता है। कुछ चांसेस हैं उनके दिल्ली में? वो कहते हैं फ्री महिलाओं के लिए सेवाएं दी, नहीं बिजली फ्री, पानी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो आपको पता ही है सब सबको चाहिए फ्री सब कुछ, अगर फ्री रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो टिके रहेंगे। बाकी फिर भी हम तो चाहते बीजेपी हर केंद्र में, हर जगह बीजेपी आए तो उसमें क्या है कि आपका विकास ज़्यादा होगा, देश का विकास भी ज़्यादा होगा और हर एक पर्सन का भी ज़्यादा होगा। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे क्या हालात है कि भारत न्याय यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई उन्हें? पता नहीं जी, देखो जी क्या सोच रहे हैं ओपोजिशन पार्टी, ये तो उन दोनों का मुद्दा है जी, बीजेपी वाले उन पे
आरोप लगाते रहते हैं और वो उन पर आरोप लगाते रहते हैं। आरोप ये तो चलता ही रहेगा और चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पे चलेगा ही। वो कह राहुल गांधी बोलते हैं, मैं जनता के बीच जाता हूँ, जनता से मिल रहा हूँ ऑन ग्राउंड और जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। ये प्यार उनका नतीजों में नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल यही तो है ना। एक्चुअली क्या है कि आप देखो ना सोशल मीडिया पे कैसे राहुल जी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखते होगे आपने अभी राहुल राम मंदिर में जाने के लिए उनको भी कहा था, उनकी फोटो बन के आ गई कि भैया ये भी जाना चाहता है, मम्मी मना कर रही है। देखा होगा आपने, तो ये भी बड़ा सा मतलब ऐसे इश्यूज बहुत आते हैं सामने, कांग्रेस के आ गए बहुत से आ रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह रही है। कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज तो सब ठीक है बट पहले से स्लो है। पहले से हाँ हाँ हाँ। मुद्दे क्यों नहीं है फिर 2024 में, अगर कामकाज स्लो है लोग कहे फिर मोदी जी को जितवा रहे हैं? अब ये देखो महंगाई भी बढ़ रही है उस हिसाब से आपके सामने, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा उठाते हैं विपक्ष। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उठाते हैं जी। अब ये तो चलता रहेगा जी, अब धीरे धीरे देखो मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है जी अब GDP भी आपकी कितनी बढ़ रही है, ठीक है जी, तो उस हिसाब से तो ठीक है, बाकी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है जी, बाकी तो ये तो सबके साथ है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।